हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बनाएंगे छोटे बच्चे के लिए फैब्रिक शूज़। इन्हें आप बचे हुए कपड़े की हेल्प से इजीली घर पे बना सकते हो। पहले पेपर शीट पे शू का पैटर्न कट कर लेते हैं। शू का सोल कट करना है, उसके लिए 5 इंच लेंथ लें, 3 इंचेस विड्थ लें, 3 मार्किंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए बॉक्स ड्रॉ करें और फिर उस पर कट कर लें। इस पेपर को सेंटर से फोल्ड करें और एक बार फिर से फोल्ड कर लें। इसके ओपन एंड्स पे राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद इस पर कट करें। अप्रॉक्सीमेटली इसके सेंटर पे लाइन ड्रॉ करते हुए इसको थोड़ा सा तिरछा ऐसे ड्रॉ करें पीछे तक और इस पर कट कर दें। ये शू की बैक वाली साइड बनेगी। जो सोल होता है शू का, बैक साइड से नैरो होता है और आगे से ब्रॉड होता है। इसे यहाँ से टोटल 1/2 इंच रिड्यूस कर लें, 1/4 इंच इस तरफ से और 1/4 इंच इस तरफ से, तो ये टोटल 2.5 इंच रह जाएगा यहाँ से। अब शू का ऊपर वाला हिस्सा कट करने के लिए 5.5 इंचेस लेंथ मार्क करें और 6.5 इंचेस विड्थ मार्क करते हुए इन मार्किंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइंस ड्रॉ करें और इस पर कट कर लें। इसे भी सेंटर से फोल्ड करें, एक एंड से 2.2 इंच पे मार्क करें और इस तरफ 1 इंच पे मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर दें। कॉर्नर से थोड़ी सी गोलाई दे दें और यहाँ पे भी राउंड शेप ड्रॉ करें। अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस से राउंड शेप देना स्टार्ट करें। इन मार्किंग्स पे कट कर लें। फैब्रिक के पीस लिए हैं, 4 पीसेस सॉल के लिए लिए हैं और 4 पीसेस ऊपर वाले पार्ट के लिए। इन पैटर्न्स को इनके ऊपर रखते हुए कट कर लें। रबर शीट ली है, 2 शीट्स सोल के लिए ली हैं और 2 शीट अपर पार्ट के लिए। इन पे भी इन पैटर्न्स को रखते हुए कट कर लें। पहले सोल रेडी कर लेते हैं। कपड़े की रॉन्ग साइड पे रबर शीट को रखना है और इसके ऊपर इस कपड़े को रखते हुए इसकी सारी साइड्स को स्टिच कर लें। ऐसे ही इस वाले को भी रखना है। कपड़े की रॉन्ग साइड पे रबर शीट रखें और इस पे इस कपड़े को रखते हुए सभी साइड्स में स्टिच कर दें। ऊपर वाले पार्ट को रेडी करने के लिए दोनों फैब्रिक्स की राइट साइड अंदर की तरफ करनी है और इन पे रबर शीट्स को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दें। 1/4 इंच के गैप पे सारी सिलाइयाँ लगानी हैं। दोनों सोल रेडी कर लेने के बाद अपर वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद पूरे में छोटे छोटे कट दे दें। कपड़े को रॉन्ग साइड में पलट लें और यहाँ 1/4 इंच के गैप पे स्टिच लगा लें। उससे पहले इनको पिंस की हेल्प से मैं सिक्योर कर रही हूँ। कपड़े के इस एंड पे भी रफ स्टिच लगा दें। दूसरे पीस को भी ऐसे ही रेडी कर लें। अब सोल के सेंटर पे मार्क कर लें दोनों तरफ।
और इसी तरह से इस वाले पीस की उल्टी साइड पे मार्क करें। सोल का सेंटर और इसका सेंटर मिलाते हुए ऐसे सिलाई लगानी है, पीछे तक लगाते हुए लेके आना है। सिलाई को सेंटर वाले मार्क से क्वार्टर इंच पीछे ही रोक दें। इसी तरह से इस दूसरी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लें। इस सिलाई को भी इस मार्क से पीछे ही रोक दिया है। अब इसको ऐसे करते हुए देख लें, जितना आपको कपड़ा चाहिए उतना रखें और बाकी पे सिलाई लगा दें। अब इस बची हुई सिलाई को भी लगाते हुए कंप्लीट कर दें। शू को पलटते हुए सीधा कर लें। और कपड़े के इस एंड को दबाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टिच लगा दें। शू बन गया है, इस पे स्ट्रैप लगाना है। कपड़े के दो पीस लिए हैं, 2 इंचेस विड्थ है और 5 इंचेस लेंथ है। रॉन्ग साइड पे पेस्टिंग पेपर चिपकाया हुआ है और वेलक्रो हुक ली है। इसके दोनों एंड्स को सेंटर तक फोल्ड करना है और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दें। इसकी चारों तरफ सिलाई लगा दें। वेलक्रो हुक को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर दें। इसे शू पे ऐसे रखते हुए देखें और हुक का दूसरा पार्ट यहाँ स्टिच कर दें। और इस वाली साइड को ऐसे करते हुए यहाँ पे स्टिच कर दें। शू इज़ रेडी टू वियर नाउ। दूसरा शू भी ऐसे ही रेडी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।